हाय फ्रेंड्स, स्वागत है इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ते से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चंस हम लोग कैसे विद इन सेकेंड फास्ट कैलकुलेट के थ्रू हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 1600 लड़के तथा 800 लड़कियाँ शामिल होती है, और यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होते हैं यानी पास करते हैं, तो अनुत्तीर्ण यानी फेल का पूछ रहा है कि फेल छात्रों का प्रतिशत यानी फेल परसेंट आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो ये ऑप्शन है चार, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये फोकस करना है कि आपको फाइंड क्या करना है। तो फाइंड आपको करना क्या है कि फेल स्टूडेंट, तो अनुत्तीर्ण छात्र, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60% अगर लड़के अगर पास कर रहे हैं, ये बॉयज है, तो अब ये फेल कितने होंगे, 60% अगर पास, तो बाकी जो बचेंगे वो फेल ही होंगे यानी 40%। उसी तरह से गर्ल्स लड़कियां कितने हो रहे हैं, 50% लड़कियां क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रही है, तो हमारा बाकी जो ये पास हो रहे हैं तो ये फेल कितना होगा। अब ये 100 से परसेंटेज जब भी माइनस करेंगे तो 100 से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 50 हो गया आपका 50%, यानी आपका ये आ गया फेल, ये फेल परसेंट है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें यानी फेल परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो 40% अगर फेल है तो ये लड़के कितने हैं, 1000 लड़के एग्जाम में बैठे हुए हैं जिसमें से 40% फेल है, तो अगर 1000 का 40% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 400 होगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपको 400 होगा, 40/100 × 1000 करेंगे तो ये 400 आएगा। अब इसका अगर 50% यानी आधा टोटल दिए थे, कितना लड़कियां थी आपका 800 लड़कियां, अब उसमें से 50% फेल हो गई, तो 50% फेल मीन्स आधा यानी 400 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 400, ये हो गया आपका 400, यानी टोटल अब फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए 800, 400, 400, 800, ये हो गया टोटल फेल। अब हमें पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण यानी फेल जो है छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको प्रतिशत आपका फेल का, तो फेल को हम लोग ऊपर रखेंगे डिवाइड बाई, यहाँ आएगा टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000 + 800 यानी हो गया 1800 × जब भी परसेंटेज में निकालना होगा तो आपको क्या करना है 100 से × ये हो गया परसेंटेज, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, ये अगर हम लोग फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 400, और 400 को 9 से अगर हम लोग कैंसिल करें 9 × 4 = 36, अगेन 4, ये हो गया 9 × 4 = 36, अगेन 4 यानी 0.4, इस तरह से कंटिन्यू आएगा तो 9 = 44.4, ये आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी आपको एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आपको लाना होगा ये पास होने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और किसी एक स्टूडेंट को आपको मिल रहा है टोटल मार्क 220, और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी वो क्या हो रहा है कि 20 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, तो अब ये 20 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, तो अगर वो 20 नंबर उसका अगर आ जाता है एग्जाम में तो क्या होता है, पास कर जाता, यानी 220 यानी 220 उसका मार्क्स आया टोटल मार्क्स, अब वो 20 नंबर कम होने की वजह से वो फेल, अगर ये 20 नंबर आ जाता तो क्या होता, वो पास कर जाता है, यानी अगर अगर इसको हम टोटल कर दे तो 220 + 20 यानी 240 अगर अंक आता तो क्या करता हो, एग्जाम में पास हो जाता, ठीक है। अगर ये आता था, ये 20 अगर हम लोग यहाँ ऐड कर दें तो ये हो गया टोटल पास। अब आगे देखते हैं, असफल हो जाता तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक यानी टोटल नंबर ऑफ जो एग्जाम जो हुआ था, टोटल नंबर जो हमारा जो कंप्लीट जो पेपर हुआ था उस अधिकतम अंक वो कितने थे, तो कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये जो है ये आपका पिक पॉइंट है, ये पास परसेंटेज दिया हुआ है कितना 40%, अब ये 40% ये दिया हुआ है तो 40% किसके बराबर होगा, ये 40% यानी पास, 40% अगर अंक ला रहा है तो एग्जाम में वो पास कर, यानी 100 में 40 नंबर ला रहा है, तो
अब ये क्या है कि 240 को लाके वो पास हो जा रहा है, ये मिनिमम पास मार्क जो है टोटल 240, क्योंकि 20 नंबर से फेल था, 220 लाया था, अगर 20 नंबर उसे मिल जाता तो ये पास हो जाता, यानी 240 क्या हो गया, ये मिनिमम पास मार्क हो गया। तो ये मिनिमम पास मार्क और ये मिनिमम पास मार्क दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये 40% किसका, अब ये 40% किसका होगा, टोटल नंबर का आपका पेपर पकड़ लेते हैं हम लोग, ओवरऑल एक्स हमें नहीं पता है, यही फाइंड करना है, यानी अधिकतम अंक, तो ये अधिकतम अंक हो गया एक्स, ये किसके बराबर होगा, ये मिनिमम पास मार्क है तो मिनिमम पास मार्क के बराबर, यानी मिनिमम पास मार्क है आपका 240, ये हो गया 240। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 240, अगर हम लोग ये 40% को हम लोग यहाँ लिखें, अब ये डिवाइड होगा तो ये 40 और नीचे इसका 100 यानी ऊपर जाएगा, ये हो गया 100, ये 0 से 0 गया और ये 4 से गया, ये 6 बार 6 × 4 = 24 यानी हो गया 6 और इधर 2 0 यानी हो गया 600, यानी अधिकतम मार्क हो गया 600 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिंदी यानी आपका हिंदी जो दिया हुआ है, हिंदी में ये हुए 60% छात्र सफल यानी पास किए, और संस्कृत में है आपका 45%। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू अगर दिखाऊं आपको, तो वेन डायग्राम के थ्रू मतलब ये इजी से इजी प्रोसेस है, वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, विद इन सेकेंड हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ मेरा वेरिएबल कितना है, तो दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक हिंदी दिख रहा है, दूसरा संस्कृत दिख रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से दो डायग्राम बनाएंगे और बीच में हम लोग इसको टच करके बनाएंगे, क्योंकि हमारा कॉमन पार्ट ही आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, अब ये हिंदी, तो इसको ले लेते हैं हिंदी, और ये हो गया हमारा एस से संस्कृत डिनोट करते हैं, ठीक है। 60% पास किए, और यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी दोनों विषयों में पास करते हैं, यानी कॉमन पार्ट है, तो मैंने ये बताया था ये कॉमन इसलिए रखेंगे कि अभी यहाँ पे क्या है कि ये 25%, ठीक है। अब ये 25% जो है ये आपका 25% है, ये कॉमन पार्ट, ये जो अंदर का दिख रहा है, यानी संस्कृत भी है और हिंदी भी है, अब ये 25% है, और आपका हिंदी टोटल कितना है, हिंदी पास करने वाले स्टूडेंट कितने हैं 60%, तो ये 25% जो दोनों ले गए, यानी हिंदी भी है संस्कृत भी है, यानी दोनों मिलकर है, तो आपके पास बचा कितना 60 लाने के लिए, टोटल अगर हिंदी में आपको 60 लाना है तो आपके बचा कितना, तो 60 से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 35, ये 35% बाकी जो बच गए सिर्फ हिंदी, और ये हिंदी और संस्कृत 25 था, अब इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 5 = 6, यानी 60% टोटल हो गया हिंदी। अब उसके बाद इस डायग्राम को देखते हैं, तो ये आपका संस्कृत मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा कम, तो जिसमें ऑलरेडी 25 हो चुका है, तो बचा कितना, कितना लाना था आपको 45 चाहिए, तो 45 से 25 को माइनस करेंगे तो बचा कितना, ये हो गया 0 और ये हो गया 2, यानी 20%। तो अब ये 20% वो स्टूडेंट है जो सिर्फ संस्कृत में पास किए, जिसमें वो हिंदी और संस्कृत नहीं, सिर्फ ओनली संस्कृत, ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, तो अब ये टोटल स्टूडेंट पास है, अगर मैं इसको अगर ऐड कर दूँ तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा जो टोटल पास कर चुके हैं, तो ये कितना हो गया 35 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो ये 60 और प्लस ये 20 यानी हो गया 80, अभी 80% क्या हुआ आपका टोटल पास। अब पूछा है असफल, तो अगर हम लोग परसेंटेज में काम कर रहे हैं, जब भी हम लोग परसेंटेज में काम करेंगे तो कहाँ से लेंगे, 100 से लेंगे, तो ये क्या करेंगे हम लोग 100 से इसको माइनस कर देंगे, तो ये 100 से अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 20%, तो ये 20% वो स्टूडेंट है जो हमारा क्या है असफल हो गया, ये असफल यानी फेल परसेंट, यानी 20%, ऑप्शन नंबर ये सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में तथा 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, यानी पास करना है, और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि ये दिया हुआ है 10% जो है प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं, असफल यानी फेल हो रहे हैं 10%। तो ये जब फेल हो रहे हैं तो यहाँ 70% क्या हो रहा है, 70% ये आपका पास हो रहा है इंग्लिश में, और 80% स्टूडेंट जो है मैथ्स में, ये मैथ्स में आपका 80% स्टूडेंट दोनों ये सफल हो रहे हैं यानी पास हो रहे हैं। तो फेल कितने होंगे, यानी जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं उसको 100 से माइनस करते हैं, यानी अब आपका ये पास है तो ये अगर 100 से माइनस कर देंगे यानी 30% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल किए, और इसको 100 से माइनस करेंगे यानी 20% स्टूडेंट मैथ्स में फेल किए। अब यहाँ दिया हुआ है क्या 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो असफल मीन्स आपका फेल है दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश में। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ये कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कितना है दोनों विषयों में, ये आपका हो गया इंग्लिश और ये हो गया मैथ्स, तो ये हो गया 10%। तो 10% दोनों विषयों में क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, असफल हो रही है। मैं अभी डायरेक्ट फेल का निकाल रहा हूँ, पास के हम लोग बाद में निकालेंगे। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या इंग्लिश में आपका 30%, अभी 30% यहाँ आपका 10% है, तो ये पूरा पार्ट आपका इंग्लिश का है। तो अब यहाँ हम लोग क्या रखें जो 30 हो जाए, तो 20 रखना होगा, 20 + 10 यानी 30 हो गया, अब ये इंग्लिश कवर हो गया पूरा। अब उसी तरह से मैथ्स, ये पूरा पार्ट मैथ्स का है जिसमें से 10 ऑलरेडी निकल चुका है दो कॉमन वाला, और आपको लाना कितना है 20 लाना है, तो यहाँ अगर हम 10 रख दें तो 10 + 10 यानी 20% टोटल ये मैच हो गया। तो अब यहाँ हम अगर इसको ऐड करें तो 20 + 10 = 30 ये 40 यानी 40% स्टूडेंट असफल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम 100 से माइनस कर दें तो ये 60% स्टूडेंट अब क्या होंगे, ये असफल थे, ये फेल थे, तो ये आपका हो जाएगा 60% पास, ये 40% आपका फेल था, अगर इसको 100 से माइनस कर दिए तो ये आ गया 60% आपका पास। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो अब आपके पास निकला क्या 60% पास, तो 60% पास यानी पास के इक्वल होगा, तो 60% ऑफ एक्स यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने के बराबर होगा 144 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो सफल ये भी दोनों विषयों का सफल परसेंटेज है, तो ये हम लोग x में लिए, अब ये हो गया 144, सो x इज इक्वल्स टू ये 144 डिवाइड बाय ये 60 नीचे इनटू 100, ये 0 से 0 गया। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको 6 से डायरेक्ट कैंसिल करें तो ये हो गया 6 × 2 = 12 24 यानी 24 और ये 0 240 हो गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 यहां दिया हुआ है कि विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे दिया हुआ है 4:1। अब यहां पे बॉयज है और ये गर्ल्स, इन दोनों का रेशियो में दिया हुआ है 4:1, ये रेशियो अनुपात में दिया हुआ है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मतलब हो गया कि स्कॉलरशिप मिल रहा है 75% बॉयज़ को, यानी बॉयज़ को आपको मिल रहा है स्कॉलरशिप 75%, और गर्ल्स कितने हैं 70%, ये परसेंटेज 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति यानी 70%। तो पूछा है क्या, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी आपको ऐसे स्टूडेंट का प्रतिशत निकालना है जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती, नहीं मिला है यानी स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो मिलने वाला कितना है बॉयज में 75%, यानी अभी पूछा आपने आपको नहीं मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला यानी अब इसको परसेंटेज है तो हम लोग इसको
नहीं मिलने में ले जाएंगे, यानी क्या करेंगे 100 से जो माइनस कर देंगे जो बचेगा वो क्या होगा, नहीं मिलेगा उसको। तो 75 को 100 से माइनस करेंगे यानी होगा 25% बॉयज को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और उसी तरह से गर्ल्स अगर 100 से माइनस करेंगे 70 को तो ये हो गया 30% गर्ल्स ऐसी है जिसे क्या है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और बॉयज हो गया 25%। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये रेशियो में दिया हुआ है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चंस रेशियो में आए तो आपको करना क्या है, एज्यूम कर लेंगे। तो ये 100-100 करके एज्यूम करते हैं, तो ये 4 है ये 1 है, तो इसको हम ले लेते हैं 400 और इसको 1 है, तो ये हो गया 1 × 100 यानी 100। ये हो गया आपका बॉयज, एज्यूम कर रहे हैं ये, तो ये हो गया 400। मान लीजिए कि 400 स्टूडेंट है यानी बॉयज है, और गर्ल्स हो गया आपका 100, ठीक है, ये बॉयज और ये गर्ल्स। अब इसका 25% अगर हम लोग निकालें तो ये 25% कितना होगा, 400 का 25% यानी नीचे 100, ये 2020 गया यानी 100। अब 100 का 30%, अब इसका 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे तो 30 ही होगा, 100 का 30% निकालेंगे तो 30 होगा। अब ये टोटल स्टूडेंट आ गया आपका जिसे क्या है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो 100 प्लस 30 यानी कितना हो गया 130 स्टूडेंट को आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप नहीं मिला जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही मिला 130। अब आपको पूछा क्या है कि प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो अब नहीं मिलने वाला कितना है 130, मैंने जून जो किया हूँ उसके थ्रू निकाल रहा हूँ, ये 130 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी बॉयज और गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बॉयज और गर्ल्स यानी इंक्लूड होके 400 प्लस 100 यानी हो गया 500 × प्रतिशत में आपको फाइंड करना है, तो 100 ये हो गया परसेंट, ये 2020 गया, 5 से काटते हैं तो ये हो गया 5 × 10 2 × 3 हो गया 3 × 0 = 30 यानी 6 यानी 26%, तो 26% यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। अब उसको पास होने के लिए किसी एग्जाम में उसे पास होने के लिए 33% मार्क्स लाना है। अब उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, और उसे मिलता कितना है, उसे मिल रहा है आपको 25% को मार्क्स लाया, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो फिर अब 30% जहां 33 लाना था अब वो लाया 25%, तो फेल ही होगा। तो जब फेल हुआ तो कितना नंबर से फेल हुआ, उससे आप वो फेल हुआ 40 नंबर के अंतराल में, वो फेल यानी 40 नंबर उसे कम आया, तो ये फेल है, 40 नंबर से वो फेल हो चुका है। अब ये पूछ रहा है क्या कि तो कुल अंक क्या है, तो यानी टोटल नंबर का जो एग्जाम हुआ था टोटल नंबर कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला हमारा पिक पॉइंट ये है कि हमको किसको लेंगे जो हमारा आंसर आ जाए, तो अब यहाँ देखोगे कि ये जो दिया हुआ है फेल, 40 नंबर से वो क्या हो गया फेल, ठीक है, और यहाँ वो मिल रहा है उसे, ये पास करने के लिए उसे चाहिए था 33 बट लाया कितना 25%। अब वो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो ये हो गया 5×3 8% और अगर ला देता तो क्या कर जाता हूँ पास कर जाता, यानी 8% कम लाया। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या जो फेल हुआ उसमें, तो वह 80 अंकों से असफल हो गया, यानी इतना नंबर से वो क्या हो गया असफल हो गया। तो ये नंबर दिया हुआ है, ये जो फेल हुआ ये नंबर जो दिया हुआ है, और ये 8%। अब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि अगर वो 8% लाता तो पास कर जाता, 8% लाता यानी 33 हो जाता पास हो जाता, अगर वो 40 नंबर और ला देता तो भी पास कर जाता, यानी ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो ये 8% किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हमारा जो एग्जाम हुआ था, तो 8% ऑफ एक्स इज इक्वल्स एक्स मीन्स टोटल नंबर यानी कुल अंक क्या है, ये कुल अंक इज इक्वल्स टू 40, यही है आपका ये एक्स, ये 40, ये 8 नीचे
इंटू 8 से क्या है, 8 5 जा 40 और ये हो गया 5 से 100 को इंटू करेंगे ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। और 7 यहाँ दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, यानी आपका इंग्लिश में और ये मैथ, ये 70% स्टूडेंट और ये हो गया आपका 80% स्टूडेंट, क्या हो रहा है, सफल हो रहा है यानी पास हो रहा है। तो 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं और 10% ये बोल रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, जिसमें मैथ्स भी है और इंग्लिश भी इंक्लूड। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, वेन डायग्राम में फिर हम लोग करेंगे, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये आपका कॉमन पार्ट है और ये हो गया आपका इंग्लिश और ये वाला पार्ट जो है ये हो गया आपका। अब यहाँ ये 10% ये कॉमन पार्ट है, ये 10% ये कॉमन पार्ट मैं यहाँ करता हूँ। अब ये क्या है, फेल है, बट यहाँ क्या दिया हुआ है, ये पास और ये भी पास, तो हम लोग फेल निकाल देंगे 100 से। मैंने बताया था कि जब भी आपका परसेंटेज हो तो 100 से माइनस करेंगे, तो ये हो गया 100 से माइनस करेंगे 30% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल करेंगे, और ये हो गया 80 से माइनस करेंगे तो ये 20% ये स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा 120 से माइनस करेंगे। तो अब यहाँ इंग्लिश है, अब इंग्लिश में टोटल कितना चाहिए जो फेल हो रहा है, 30, लेकिन इंक्लूड कितना है, ऑलरेडी 10 है दोनों में है, तो ये 10% यहाँ, अब यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, ये 30 हो जाए तो ये अगर हम लोग यहाँ 20 रखते हैं तो 20 + 10 यानी हो गया 30, ओवरऑल 30 इंग्लिश में फेल। अब ओवरऑल मैथ्स में कितने हैं, 20 है, तो यहाँ 10 है, यहाँ अगर हम लोग 10 रख दें तो ये 10 मिल के आपका हो गया 20 हो गया, मिल गया ये। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ बोल रहा है क्या, यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों विषयों में सफल यानी पास का बात बोल रहा है, तो हमें भी यहाँ क्या लेना होगा, अब ये तो फेल है तो हमें इसे पास में कन्वर्ट करना होगा, पास परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कितना हो गया फेल, ये हो गया 20, 30, 40 यानी 40% स्टूडेंट क्या हो रहा है, मैथ और इंग्लिश मिला के यानी टोटल फेल हो रहा है। तो टोटल पास कितना होगा, 100 से माइनस करेंगे, सिंपल सा है, पास स्टूडेंट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसे 100 से माइनस करेंगे, तो 100 से इसको माइनस करेंगे यानी हो गया 60%। अब ये जो 60% आया पास, अब ये किसके बराबर है, 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं, ये दोनों विषयों में सफल कितने हो रहे हैं, 60%, तो 60% किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, यानी कुल कितने प्रतियोगी थे, तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, ये 84 के इक्वल होंगे, सो 84 अब इसे कैंसिल करेंगे यानी 84 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, तो ये 0 से ये 0 गया, 6 से अगर हम कैंसिल करें तो 6 × 6 ये 24 यानी 14, ये हो गया 0 यानी 140 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 48 प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, असफल मीन्स फेल हो रहा है, तो अब यहाँ आगे दिया हुआ है क्या, यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल, अब ये दोनों विषयों में यानी आपका ये मैथ्स और इंग्लिश दोनों में आपका 20% प्रतियोगी असफल हुए यानी फेल हुए, तो ये आपका पिक पॉइंट है दोनों में। तो अब हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे, अब ये हो गया आपका इंग्लिश और ये हो गया मैथ्स, यहाँ हो गया 20, दोनों में फेल हो रहे हैं। अब एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, अब ये मैथ्स है यानी गणित, अब यहाँ कितना है 34, यहाँ 20 दोनों वाला मैंने इंक्लूड कर चुका हूँ, कितना 20, यहाँ है ना 20%, तो अब बचा कितना आपके पास, अब ये 34, अब ये पूरा 34 लाना है तो यहाँ क्या रखेंगे, जो 34 हो जाए ये 14 रखेंगे, क्योंकि 20 और ये हो गया 14 यानी 34, ठीक है। आगे देखते हैं
इंग्लिश के लिए क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी के लिए 42% प्रतियोगी असफल होते हैं। सारा असफल का ही है ये सारा असफल यानी फेल फेल परसेंट है। तो यहाँ दिया हुआ है 42। अब इंग्लिश में ये तो कॉमन पार्ट लेके गया 20, लाना कितना था 42। तो यहाँ क्या रखेंगे जो 42 हो जाए, यहाँ आपको 20 रखेंगे, तो 20 और ये हो गया ये 22 रखेंगे तब ये जाके 42 होगा, ये 20 प्लस 22 यानी हो गया आपका 42। अब ये पूरा सेटिंग हो गया, इंग्लिश का भी मिल गया 42%, मैथ्स का भी मिल गया 34%, और ये 20 भी मिल गया आपका दोनों विषयों में असफल। तो अब आगे दिया हुआ है तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी आपका सिर्फ पूछा है परसेंटेज में पूछा है सफल यानी आपका पास पास परसेंटेज पूछ रहा है दोनों विषयों में। तो हम क्या करेंगे अगर ये टोटल अगर ऐड कर दे तो टोटल ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब मैथ्स और इंग्लिश यानी दोनों मिलाकर आपका फेल। तो हम लोग क्या करेंगे इसको टोटल कर लेते हैं, यानी हो गया ये कितना 22 और ये हो गया 42 और ये हो गया आपका 14 यानी 42 प्लस 14 ये हो गया 56 यानी 56% क्या हो गया असफल। तो अब सफल का पूछ रहा है प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल है, तो क्या करेंगे हम लोग जब भी आपको परसेंटेज पूछना होता है तो कहाँ से माइनस करते हैं हम लोग 100 से माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस 56 अगर कर दे ये हो गया परसेंट, ये हो गया 4 और इधर हो गया 4 यानी 44% ये क्या हो जाए दोनों विषयों में सफल हो गए, यानी ये सफल का इतना प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हो रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका सी। तो इस तरह क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करवाया प्रतिशत का, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछे गए ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी मजेदार ट्रिक्स और मजेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।